हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं Ryze.7.0 के बारे में। एंड्रॉइड 13 के साथ Ryze.7.0 का जो लेटेस्ट बिल्ड है अवेलेबल हो गया है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान Ryze.7.0 के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, प्लस इस कस्टम रॉम को Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर लेटेस्ट 5th अक्टूबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। एंड एज बिल्ड तो अनऑफिशियल बिल्ड है। कर्नल की अगर बात करें, यहाँ पर 4.4 नेक्सस कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। अगर बात करें बस सेफ्टीनेट के बारे में, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टीनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे सर के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा। अगर बात करें बस सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, यहाँ पर मैक्स गया है 149, एवरेज है 142, मिनिमम है 135। यहाँ पर जो है 94% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स वो गया है 2.20 GHz तक। यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। यहाँ पर नॉर्मली Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर जो 140 के आसपास मैक्स रहता है, यहाँ पर एवरेज है 142। अगर बात करें यहाँ पर Geekbench 5 के बारे में, यहाँ पर जो है सिंगल कोर के साथ 308, मल्टी कोर के साथ जो है 1271 का स्कोर है Geekbench 5.4.4 के साथ। यहाँ पर जो सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से कम है, यानी पर मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से थोड़ा ज्यादा देने को मिल गया है। अगर बात करें पर Geekbench 5 के बाद 3D Mark के बारे में, यहाँ पर जो 3D Mark के साथ वाइल्ड लैब के ऊपर 374 का स्कोर देने को मिल गया है Redmi Note 7 डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है पर बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल नहीं है, आपको अलग से जी एप्स को इंस्टॉल करना होगा, अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना होगा। ये जो रॉम है दोस्तों वैनिला बिल्ड है। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो पर नाइट लाइट काम कट जाएगा, यहाँ पर जो है नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम करता है, प्लस यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने के लिए जो टॉगल है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से क्विक सीरीज पैनल का जो UI है देने को मिलता है। प्लस पर Ryze.7.0 के साथ जो पर परफॉर्मेंस के साथ भी इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा, प्लस पर जो चार्जिंग एनिमेशन के साथ भी पर इंप्रूवमेंट देने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से पर जो सेटिंग्स उनको जो UI है देने को मिलेगा। प्लस पर जो एक्सटेंडेड मॉडर्न थीम को ऐड किया गया है, प्लस पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है इस बिल्ड के साथ। यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है, इससे भी ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो अगर बात करें वॉल्यूम पैनल के बारे में, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो UI है देने को मिलेगा, यानी यहाँ पर जो इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ UI देने को मिलेगा Ryze.कस्टम रॉम के साथ। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर डेटा स्विच का जो क्विक सेटिंग्स टॉगल इसे भी ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अनलॉक एनिमेशन के साथ जो इशू देने को मिल रहा था उसे फिक्स किया गया है, प्लस यहाँ पर जो गेस्चर्स कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है पार ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर स्किन ऑफ एनिमेशन को भी ऐड किया गया है Ryze.7.0 के साथ। नंबर बात कर लेते कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में, क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है बैटरी इन्फो का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन के ऊपर जो बैटरी इन्फो देने को मिलेगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन को ऐड किया गया है, फिंगरप्रिंट इरर वाइब्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट को ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है अगर आप चाहो तो लॉक स्क्रीन से पावर मेनू को जो है डिसेबल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो रैपिड एनिमेशन है फोन को अनलॉक करने के टाइम जो एनिमेशन हमें देने को मिलता है, जो रैपिड एनिमेशन देने को मिलता है, इसे अगर आप चाहते हो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस एंड्रॉइड 13 के साथ डेडिकेटेड जो गेमिंग मोड है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो है ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है यहाँ पर से अगर आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, अलग अलग बैटरी स्टाइल को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है ब्राइटनेस स्लाइडर को आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन को ऐड किया गया है, पर क्विक सेटिंग्स पैनल स्टाइल को ऐड किया गया है। एंड पर क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस भी ऑप्शन से। यहाँ पर सरस बटन के ऊपर जो 4G आइकन का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल को ऐड किया गया है, बैटरी परसेंटेज वेन चार्जिंग का ऑप्शन है, ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस डेटा डिसेबल आइकन को ऐड किया गया है। पर लोकेशन माइक कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर को आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, पर नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है सरसवर आइकन का ऑप्शन है, सरसवर के ऊपर कौन कौन से आइकन को दिखाना चाहते हो उसके लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर आइकन पैक का ऑप्शन है, मॉनेंट थीम को ऐड किया गया है पर ऐसे भी ऑप्शन से, जैसे कि यहाँ पर जो कुछ इस तरह से मॉनेंट थीम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, अलग अलग जो है यहाँ पर थीम को आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है नेविगेशन बार स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर
सिग्नल आइकन स्टाइल को ऐड किया गया है, वाईफाई आइकन स्टाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है राइज डॉट 7.0 के साथ। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, कुछ इस तरह से बैटरी बार का जो यूआई है देने को मिलता है, पर बैटरी टेम्परेचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर बैटरी लाइट का ऑप्शन है। एनीवे अगर बात करें पर स्क्रीन ऑन टाइम के बारे में, यहाँ पर इस रॉम के साथ जो लगभग 5 hours to 6 hours के आसपास जो पर स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हो। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है, बैटरी बैकअप के साथ कोई भी इश्यू देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है। अगर बात करें यहाँ पर इस रॉम के साथ जो पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बट यहाँ पर जो फेस अनलॉक अवेलेबल नहीं है। एंड्रॉइड 13 के साथ अभी फिलहाल जो है पर फेस अनलॉक अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है। पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स को ऐड किया गया है, यहाँ पर डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, एमआई का जो साउंड एनहाइजर है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप को आप सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जो प्रीसेट है आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हेडफोन गेन माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन एलईडी ब्राइटनेस को चेंज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, स्पीकर के ऊपर जो भी डस्ट आएगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, थर्मल प्रोफाइल के ऊपर जो इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो बटन्स का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, बट बटन्स के ऊपर जो है आप सिंपली पावर बटन के साथ कॉल को बंद कर सकते हो, फ्लैश लाइट को एनेबल करने का ऑप्शन है, या पर वॉल्यूम बटन के साथ जो है कॉल कैंसिल कर सकते हो, डिवाइस को कैप कर सकते हो, प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, वॉल्यूम पैनल को लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो। या पर गेस्चर्स कस्टमाइजेशन ऑप्शन को ऐड किया गया है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप सिंपली गेस्चर्स के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। या पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है 2-button navigation, 3-button navigation, गेस्चर्स नेविगेशन को ऐड किया गया है, 1-handed mode का ऑप्शन है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम को ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है ऐसे भी ऑप्शन से। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डबल टैप टू वेक अप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर जो है डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, वेक अप ऑन प्लग, यहाँ पर वेक अप ऑन प्लग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। लॉक स्क्रीन की बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन का जो यूआई है देने को मिलता है, काफी बढ़िया है। कुछ इस तरह से वन यूआई 5.0 के द्वारा यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन का जो बटन है ऐड किया गया है, पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो बटन है इसे भी रीडिजाइन किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एनीवे अगर बात करें कैमरा टू एपीआई के बारे में, यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के साथ लेवल 3 का सपोर्ट है, पर गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जीकैम यहाँ पर काम कर जाएगा, बाय डिफॉल्ट वाला जो कैमरा एप्लीकेशन है ऐड किया गया है, लाइन चॉइस का जो कैमरा एप्लीकेशन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जीकैम गो भी काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड अगर आप चाहते हो गूगल कैमरा को भी इंस्टॉल कर सकते हो इस रॉम के साथ, काफी बढ़िया बात है। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर राइज डॉट 7.0 को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा। कोई भी कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर इस रॉम को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करो, उसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर एडवांस रिबूट को ऐड किया गया है इस रॉम के साथ, तो यहाँ पर जो है कस्टम रिकवरी बूट हो गया है। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को। अगर आप चाहो तो TWRP रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो, सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो है कस्टम रिकवरी बूट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो है वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैशे सिस्टम ये चार ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद सिंपली रॉम को सिलेक्ट करना होगा, जिस भी फोल्डर के ऊपर अपने इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करना होगा। इस रॉम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट जीएप्स अवेलेबल नहीं है, आपको अलग से जीएप्स को फ्लैश करना होगा। सबसे पहले रॉम को सिलेक्ट करो, उसके बाद जीएप्स को सिलेक्ट करना होगा। जीएप्स को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना होगा। रॉम इंस्टॉल होने में लगभग 5 minutes के आसपास टाइम लगेगा। रॉम इंस्टॉल होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर 3 dots में टैप करके रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5 minutes के आसपास टाइम लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो रॉम को सेटअप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो राइज डॉट 7.0 को इंस्टॉल कर सकते हो रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर।
एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिए कि इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। एंड इस रॉम के साथ जो है ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से पर काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। काफी बढ़िया बात है। डेफिनेटली आप Ryze.7.0 को चेकआउट करके देखो रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।